नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। इस वक्त का जो समाचार आ रहा है वह है राजस्थान के श्रीगंगानगर से। श्रीगंगानगर में 3 दिन से हो रही लगातार बारिश के चलते जलमग्न हुए शहर के जल निकासी के लिए आज सेना ने मोर्चा संभाल लिया। पानी निकासी में असफल होने पर जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार ने सेना के अधिकारियों से वार्ता कर जलमग्न हुए श्रीगंगानगर से पानी निकासी के लिए सहयोग मांगा। प्रशासन द्वारा सहयोग मांगने पर सेना के अधिकारी अपनी पूरी टीम और संसाधनों के साथ पानी निकासी की व्यवस्था में जुट गए। सेना बड़े हॉर्स पावर की मोटर और पाइप अपने साथ लाई है। आज शुक्रवार को तीसरे दिन भी बादल जमकर बरसे, जिसके चलते शहर में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए। पानी निकासी करने में एक प्रकार से प्रशासन द्वारा हाथ खड़े कर दिए गए। विधायक राजकुमार गौड़ ने बताया कि वे जयपुर में जरूरी मीटिंग के लिए गए हुए थे, लेकिन आज सुबह जैसे ही शहर में बाढ़ जैसे हालात की सूचना मिली तो उन्होंने तुरंत जिला कलेक्टर को पानी निकासी व्यवस्था में सेना का सहयोग लेने की बात करते हुए पूरे प्रशासनिक अमले को पानी निकासी में लगाने के निर्देश देते हुए जयपुर से गंगानगर के लिए रवानगी ले ली। श्री गौड़ ने बताया कि पानी निकासी के लिए जिला कलेक्टर को समस्त व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए गए हैं। सुबह जिला कलेक्टर से वार्ता के बाद सेना ने पानी निकासी की व्यवस्था संभाल ली। सेना उधम सिंह चौक सहित अनेक स्थानों पर पानी निकासी में जुट गई। संभावना व्यक्त की जा रही थी कि और बारिश नहीं होती तो आज रात तक सड़कों पर पानी काफी कम हो जाएगा, लेकिन अगर बारिश आ गई तो पानी निकासी व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। बारिश के चलते पानी सड़कों पर जमा हो गया, जो दुकानों और घरों में घुस गया। बारिश के चलते ही अनेक कच्चे मकान और दीवारें गिर गई। हालांकि कोई जनहानि की सूचना नहीं मिली है, लेकिन सड़कों पर अनेक वाहन फंसे और क्षतिग्रस्त नजर आए। कोड़ा चौक के पास दीवार गिरने से उसके साथ खड़े दोपहिया वाहन क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि दुकानों घरों में पानी जाने से नुकसान के साथ साथ लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। स्कूलों में आज छुट्टी रखी गई, लेकिन कॉलेज के पेपर चलने के चलते बच्चों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बच्चे समय पर नहीं पहुंच पाए, जिसके चलते यह पेपर नहीं दे पाए। प्रशासन को हर कोई कोसता नजर आया। शहर में जगह जगह वाहन फंसे नजर आए तो कुछ वाहन गड्ढे में गिरे नजर आए। ऐसा पहला अवसर नहीं है जब पानी निकासी के लिए सेना की मदद ली हो। इससे पूर्व भी सेना की मदद ली जा चुकी है। विद्युत विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि विद्युत के पैनल पानी में डूबे हैं। ऐसे में जब तक पानी कम नहीं होगा तब तक सप्लाई शुरू करना संभव नहीं। भारी बारिश और मौसम विभाग की चेतावनी के बाद जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार ने आगामी आदेशों तक स्कूल बंद रखने के आदेश जारी किए हैं।